हाय गाइस, एक बेहद ही छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट। शॉर्ट स्टेटमेंट क्या होता है? द शॉर्ट स्टेटमेंट इज यूजफुल टू इंश्योर दैट अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये इंश्योर करता है कि एक कंडीशन जो आपने दिया हुआ हमेशा ट्रू होगा। अगर नहीं होगा उस केस में क्या होगा? इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू, इट रेजेज असर्शन एरर। अगर कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो ये रेज करेगा असर्शन एरर। सिंटेक्स कुछ ऐसे लिखते हैं, आप शर्ट आपने लिखा कंडीशन, देन आप कॉमा देकर एरर मैसेज लिखते हैं। कॉमा याद रखिएगा, बहुत लोगों से ये मिस होता है। तो शर्ट लिखना है कंडीशन, अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स है तो एरर मैसेज आपका दिखेगा। मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स देन द एक्सेप्शन बाय द नेम असर्शन एरर इज रेज्ड अलॉन्ग विद द मैसेज। हमारा सिंटेक्स आप लोग देख पा रहे होंगे, अशर्ट है, कंडीशन है, कॉमा एरर मैसेज है। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स है और आपने एरर मैसेज लिखा है तो उस केस में, चूँकि फॉल्स है ये, उस केस में एक्सेप्शन हमारा अगर होगा जिसका नाम है असर्शन एरर, और जो एरर मैसेज होता है वो आपको दिखाई देगा। इफ मैसेज इज नॉट गिवन एंड द कंडीशन इज फॉल्स देन ऑल्सो असर्शन एरर इज रेज्ड विदाउट मैसेज। अगर कंडीशन आपका फॉल्स है और आपने कोई मैसेज नहीं दिया, मतलब एरर मैसेज आपने कुछ नहीं लिखा, कॉमा नहीं लिखा, कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखा, तो और आपका कंडीशन फॉल्स है, तो उस केस में भी आपका एक्सेप्शन अकर होगा असर्शन एरर का, लेकिन इस बार आपको मैसेज दिखाई नहीं देगा बिकॉज आपने मैसेज दिया नहीं। तो मैसेज देंगे, कंडीशन फॉल्स है, मैसेज देंगे तो मैसेज दिखाई देगा असर्शन एरर के साथ, अगर मैसेज नहीं है तो मैसेज नहीं दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, फॉल्स होने पर असर्शन एरर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं क्विकली। छोटा सा एग्जांपल है, ए इक्वल मैंने लिखा 20, असर्ट और ए लेस देन इक्वल मैं लिख रहा हूँ 10। तो लेस देन इक्वल 10 लिखा जो कि फॉल्स है, कंडीशन हमारा ये फॉल्स बता रहा है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। कंडीशन फॉल्स है, असर्शन एरर हमारा एक्सेप्शन अकर होगा, हमने कोई मैसेज नहीं दिया एरर मैसेज, तो कोई मैसेज हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए हमारा असर्शन एरर यहाँ अकर हो रहा है, हमें कोई मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप मैसेज देते हैं, मैं यहाँ एरर मैसेज देता हूँ, मान लीजिए कुछ इस तरीके से कि इनवैलिड नंबर, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसको रन करूँगा, तो अब भी चूँकि ये कंडीशन हमारा फॉल्स है तो असर्शन एरर तो हमारा अकर होगा, लेकिन अब हमें एरर मैसेज भी दिखाई देगा, देखिए इनवैलिड नंबर। और जब कंडीशन आपका ट्रू होगा तब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो मैं अगर यहाँ 10 कर दूँ और मैं इसको सेव कर दूँ, सेव करके अगर रन करूँ, तो इस केस में हमारा असर्शन एरर नहीं बनेगा, तो हमें कुछ भी यहाँ दिखाई, आउटपुट में दिखाई नहीं दे रहा। बस एक कंडीशन पर लगाया जाता है जिससे हम इंश्योर करते हैं कि ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो उस केस में हमें एक असर्शन एरर मिलेगा, ये हम लोग कहते हैं किसी कंडीशन के लिए ये अप्लाई होता है। ओके, सो इसको एग्जांपल अगर प्रैक्टिकली आप रियल वर्ल्ड में सोचेंगे तो आप कुछ ऐसे दे सकते हैं कि जब 1 हो तो हमारा कंडीशन ट्रू हो, फिर जब हमारा 2 हो तब भी हमारा ट्रू हो, फिर 3 हो तब भी हमारा ट्रू हो, जब हमारा 4 होगा तो हमें असर्शन एरर मिले, इसमें हमें एक मैसेज भी मिल जाए कि आपका इनवैलिड नंबर है। तो इसमें आप लूप यूज़ करके इसका एग्जांपल देख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसको आपको इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपका ऐसा कि आपका कंडीशन ट्रू है तब कुछ ना हो या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हों, लेकिन आपका जब कंडीशन फॉल्स हो उस केस में आपको एक असर्शन एरर का एक्सेप्शन अकर होकर मिले। तो ये था हमारा असर्ट स्टेटमेंट। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।